वेलकम दोस्तों सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपको दूंगा, जो राजस्थान के जो चुनाव है कल 8 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म जमा होंगे, उस फॉर्म में आपको क्या क्या जानकारी भरनी है, किस तरह से आपको उस नॉमिनेशन फॉर्म में जानकारी देनी है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हो तो उसमें सबसे पहले जिस प्रकार से आपकी मतदाता सूची में जो नाम है उसी नाम को आपको उस आवेदक जहां लिखा होता है उसी नाम को आपको भरना है, न कि आपकी मार्कशीट में जो नाम है उसको भरना है। क्योंकि अगर आपकी मार्कशीट में सुरेश कुमार सैनी है और मतदाता सूची में सुरेश है ओनली, तो आपको सुरेश ही बनना है न कि सुरेश कुमार सैनी। ये आपको इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको संपूर्ण जानकारी उस फॉर्म में देनी पड़ेगी क्योंकि आप कौन से वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ो या सरपंच का, वो सारी चीजें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। क्रमांक नंबर जो मतदाता सूची में जो क्रमांक नंबर है वो क्रमांक नंबर उसमें डालना पड़ेगा, कौन से वार्ड के आप वार्ड में आपका मतदाता सूची में नाम है वो सारी चीज इसमें भरनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी और इसके साथ साथ आपको उसमें आपके पास कितने नगद पैसे हैं, आपकी पत्नी के पास कितना नगद पैसे हैं, वो सारे अकाउंट नंबर और खाते में पैसे, वो सारी चीजें आपको उसमें डिटेल्स देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आपके पास मोटरसाइकिल आपके नाम है, कार आपके नाम है, सारी चीजें इसमें बेकायदा जिस प्रकार RJ 26 CA 53 14 या अलग प्रकार के अगर आपकी गाड़ी नंबर है, मोटरसाइकिल नंबर है, कब ली थी आपने, उस समय लिखना पड़ेगा उसकी कितनी कीमत है, सारी चीजें आपको उस फॉर्म में भरना पड़ेगा। अगर आपके नाम कोई प्लॉट है, प्लॉट कितनी साइज का है, कितनी DLC के हिसाब से कितने रुपए का बन रहा है, वो सारे रुपए उसमें लिखना पड़ेगा। अगर जमीन है तो जमीन भी आपको कितने बीघा है, उसके कितने पैसे है, सारी चीजें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। साथ साथ अगर आपके आश्रित है, आप किसी को व्यक्ति आपके आश्रित है उसको कमा के आपके द्वारा आप उससे दे रहे हो तो सारी चीजें भी डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसमें नील लिख देना है, लागू नहीं या ना या नील लिख देना है। इसके साथ साथ अगर आपके खिलाफ किसी भी पुलिस थाने में या किसी भी कोर्ट द्वारा अगर आपको दोषी करार दिया है तो वो चीज भी आपको उस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आपको नील लिख देना है। इसी के साथ साथ उस फॉर्म में अगर आपके घर में अगर शौचालय है तो शौचालय की भी जानकारी आपको देना पड़ेगा। साथ साथ एक एविडेंस गवाह जो साक्षी है उसके भी साइन उसमें कराना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के मकान में शौचालय बना हुआ है। और इसके साथ साथ आपको अपने मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, सारी चीजें उसमें लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी राजनीतिक दल से हो तो भी लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी पद पे रहे हो तो उस व्यक्ति को उसमें नॉमिनेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि मैं इस पहले पद पे था, तो उस व्यक्ति को पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से अधिकतर प्रमाण मतलब नोटिस लेना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की कुछ बकाया नहीं है। अगर कोई नया व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है पहली बार तो उसको इस नोटिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ जो उपबंधक है उसमें 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको वो सारी चीजें लिख के देनी पड़ेगी, मतलब जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें सारी चीजें 50 रुपए के स्टैंप पर अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अन्य जानकारी चाहने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको मैं बता सकता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और मतदाता क्रमांक जो संख्या है वो सही अच्छी तरह से बननी है, ये सारी चीजें आपको इस नॉमिनेशन फॉर्म में रखनी है, अन्यथा आपका फॉर्म खारिज हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर करें।